icon on YouTube and don't miss another update. मेरा लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू जिला बहुत विशेषताओं वाला जिला है। यहाँ के भामाशाह, यहाँ के उद्योगपति पूरी दुनिया में राष्ट्रीय सकल आय में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे यहाँ के सैनिक भारत की सेना में सबसे ज़्यादा है। मेरे यहाँ के लाडलों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, यानी वो शहीदों की धरती है। स्त्री शिक्षा में भी काफ़ी हमने काम किया है। बालिका बचाओ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में झुंझुनू जिले ने 175,000 लोगों ने बेटी बचाने की शपथ लेकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। और वो टीलों की धरती, धोरों की धरती, वहाँ महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं। वहाँ की हर क्षेत्र में आपको काम करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी 70 वर्ष आज़ादी के बाद से आज तक विकास के मामले में मेरा ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पूरा ज़िला डार्क जोन में आ गया है। कोई नदी नहीं है, कोई बरसाती नाला नहीं है, सतही पानी नहीं होने के कारण नीचे निरंतर पानी चला जाता जा रहा है। सबसे विकट समस्या जो हमें झेलनी पड़ सकती है भविष्य में, वो पीने के पानी की है। दूसरी बात, कोई भी नेशनल हाईवे मेरे ज़िले में नहीं था, इतना महत्वपूर्ण ज़िला, फिर भी रेल मेरे यहाँ नहीं थी और मेरे यहाँ सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी। इन 5 सालों में हमने सिरे से काम करना प्रारंभ किया सड़कों के मामले में। आज के दिन 4 नेशनल हाईवे मेरे यहाँ निर्माणाधीन है, बन रहे हैं। मेरे यहाँ लोहारू से सीकर 4 लेन बन रहा है और सड़कों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। लगभग गांवों को हमने रोड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है, पुरानी सड़कों को भी हमने काफ़ी दुरुस्त किया है। और हमने सबसे बड़ा काम और अभूतपूर्व काम किया, लोगों के घरों में बिजली देने का काम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में जिले को पूरे को हमने कवर कर लिया है। हर घर में बिजली देने का लक्ष्य जो था वो हमने पूरा कर लिया है। हर घर में शौचालय बनाने की बात, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आंगनबाड़ी की बहनों को का भी हमने मानदेय दुगुना किया है। और इसी प्रकार बेटियों के लिए राष्ट्रीय योजना, बहुत अच्छी योजना के तहत बच्चियों को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी वगैरह हमने हमारे ज़िले में दी हैं। और हमने जो एक और काम किया है वो उज्ज्वला के तहत बहनों को गैस का सिलेंडर पहुँचाकर उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। आज किसान खुश है क्योंकि MSP दुगनी हो गई है। अभी किसान के खाते में 6,000 रुपया जाएगा। तो मेरा ज़िला बेसिकली जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज तक वहाँ मेरे अलावा कोई लोकसभा में जीत कर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी, अब वो ज़िला आदरणीय मोदी जी में दृढ़ विश्वास रख रहा है, केंद्र की सरकार में दृढ़ विश्वास रख रहा है और मेरी अप्रोच मेरे कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंची है। अभी ओवरब्रिज के लिए भी 150 करोड़ रुपया मेरी सरकार ने मुझे दिया है। सबसे बड़ा तोहफा जो हमें दिया है सैनिक स्कूल का दिया है। सैनिकों का सम्मान, शहीदों का सम्मान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने सैनिक स्कूल खोल के मेरे ज़िले के मान सम्मान को बढ़ाया है। पहला सत्र हमारा प्रारंभ हो गया है, शानदार एक बिल्डिंग वहाँ बनकर खड़ा हो गया है। शहीदों के याद में शौर्य पार्क हमने वहाँ बनाया है और हम निरंतर काम कर रहे हैं। पर क्योंकि अभी तक काम के मामले में मेरा ज़िला काफ़ी पिछड़ा हुआ ज़िला था, हमने अभी उसको रूडिप से जोड़ा है। रूडिप से ज़िला मुख्यालय को 642 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। अभी रेल की व्यवस्था में भी अच्छा ठीक काम हुआ है, लेकिन मुझे दैनिक रेल चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है। मुझे 9% राजस्थान का जो यमुना के जल का हिस्सा है उसमें मुझे वो पानी चाहिए, क्योंकि ज़िले को बचाने के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए और मुझे इस नहर की ज़रूरत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब का, हमारी प्रधानमंत्री जी का और हमारी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी का, जिन्होंने ये 9% यमुना के हिस्से के लिए काफ़ी काम कर दिया है। और मैं सोचती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2019 में बहुमत से बनने वाली है और मेरी सरकार हमें पेयजल उपलब्ध कराएगी, ये मेरी आस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में। और हमने
जो काम किया है वो रूरल रोड कनेक्टिविटी में काम किया है, मुख्यालय से मुख्यालय को जोड़ने का काम, मिसिंग लिंक्स का काम, हमने एक एक किलोमीटर सीमेंट की सड़क गांव में जो बनाई है वो उसका काम, और काफ़ी काम हमने किया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ महिलाओं के, विशेष तौर पे मेरे ज़िले में रोल क्या रहता है। वो खेत खलिहान में पुरुषों के से अधिक काम करती हैं, वो नौकरी में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर वो पंच है, वो सरपंच है, वो कहीं प्रधान है, वो प्रमुख है, और चाहे वो MLA है, MP है, वो कहीं ये महसूस नहीं होने देती है कि वो काम नहीं कर पा रही है, बींग ए लेडी वो बराबर अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रही है। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर मेरा विधायी कार्य आप उठाकर देखेंगे तो झुंझुनू ज़िले में आने वाले सांसद कभी खड़े होकर लोकसभा में झुंझुनू की बात को नहीं कह पाए, जबकि मैंने डिबेट्स में और सब में हिस्सा लिया है, अनेक प्रसंग मैंने किए हैं और अनेक काम मैं कर पाई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़िले के लिए और काम मैं कर पाऊँ, ज़िले के लोगों के उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ, क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ, एक छोटे से गाँव से चल कर आई हूँ, तो मैं वहाँ की समस्याओं को भली भांति जानती हूँ। मेरी इच्छा है कि युवाओं को रोज़गार मिले, मेरी इच्छा है कि महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बने और उनकी रक्षा सुरक्षा भी बेहतर हो पाए, मेरी इच्छा है कि बेटियों को बेटों के समकक्ष हम खड़े कर पाएँ। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज से 6 साल पहले 1000 बेटों के समकक्ष झुंझुनू में 640 बेटियाँ थी, आज के दिन 1000 बेटों के समकक्ष झुंझुनू में 975 बेटियाँ हो गई। तो हमने ड्रास्टिक काम किया और सब मेरे लोग मिलकर काम करते हैं। शिक्षित ज़िला, सैनिकों का ज़िला, शहीदों का ज़िला, उद्योगपतियों का ज़िला, लेकिन फिर भी काम के मामले में पिछड़ा ज़िला। जो काम हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, आदरणीय वसुंधरा राजे जी की कृपा से, और जो काम हम कर पाए हैं इनको साथ लेके कर पाए हैं। बहुत दूर तक हमको जाना है, विकास का पहिया थमे न और गति से चले, और हम लोग 5 साल काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है केंद्र में 2019 में, बहुमत वाली सरकार, मैं समझती हूँ कि मेरे ज़िले को अनेक सौगातें मिलने वाली हैं। ज़िले के लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि मैं उनकी बेटी होने के नाते उनके साथ हर तकलीफ, हर दुख, हर समस्या में हमेशा खड़ी रहूँगी। कोई राजनीतिक भेदभाव, किसी प्रकार की कोई बात मैं मेरे ज़िले के लोगों के साथ नहीं करूंगी, और मेरे कारण मेरे मतदाताओं को, मेरे चाहने वालों को, मेरे समर्थकों को कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा।